आपने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। शकील साहब, मैं बात अर्ज करना चाहता हूं कि इलेक्शन जीतने के बाद हर वादा निभा दूंगा, मैं कुछ करके दिखा दूंगा, मैं कुछ करके दिखा दूंगा। क्या क्या किया सुनिएगा। मुसलमानों से वादा बाबरी मस्जिद दिलाने का, तो हिंदू भाइयों को राम का मंदिर बनाने का। अगर कुछ भी न बन पाया तो दोनों को लड़ा दूंगा, इलेक्शन जीतने के बाद हर वादा निभा दूंगा। ये काम हुए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं शकील अंजुम साहब का। और उनके बाद आइए हैदराबाद अदबी सरजमीन से तशरीफ फरमा हमारे दरमियान डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब है। तैयब पाशा कादरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं नासिर काजमी के मिसरों से उन्हें दावत देता हूं कि आराइश जमाल भी हो, दिल कुशा भी हो, वो दर्द अब कहाँ जिसे जी चाहता भी हो, बज़्म में सुखन भी हो, सुखन गर्म के लिए ताऊस बोलता हो तो जंगल हरा भी हो। ये जंगल हरा होना चाहिए, ताऊस आपके सामने रक्स करने के लिए तैयार है, इससे पहले कि वो अपना कलाम सलाम तलक हमको आजमाने वाले कब तलक हमको आजमाने वाले हैं आप, कब तलक हमको आजमाने वाले हैं। हम तो जख्म खाकर भी मुस्कुराने वाले हैं, मुस्कुराने वाले हैं। हम तो जख्म खाकर भी मुस्कुराने वाले हैं। कौन रहने आया है हश्र तक जमाने में, बेशक कौन रहने आया है हश्र तक जमाने में। तुम भी जाने वाले हो, हम भी जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। तुम भी जाने वाले हो, हम भी जाने वाले हैं। वाह वाह वाह। पहले के पड़ोसी सब भाई भाई थे तैयब, भाई भाई थे तैयब। पहले के पड़ोसी सब अब पड़ोस वाले ही घर जलाने वाले हैं। वाह वाह, जलाने वाले। क्या कहने विश्वास है। हम तो जख्म खाकर भी मुस्कुराने वाले हैं। एक मतलब दूसरे से मत सुनेगा। कैसे ये दिन आ गए, कैसा जमाना हो गया। कैसे ये दिन आ गए, कैसा जमाना हो गया। कैसे ये दिन आ गए, कैसा जमाना हो गया। काफिले लुटेरा हो गया, काफिले का आज रहे बर एक लुटेरा हो गया। कैसे ये दिन आ गए, कैसा जमाना हो गया। वाह वाह। और ये शेर सच्चा शेर देखिएगा। देख कर उसको हुए फिर हौसले मेरे जवान,
क्या कहने सर? देख कर उसको हुए फिर हौसले मेरे जवान, जब मेरे मेरा बेटा हो गया। और हिंदुस्तान के हालात और जिस पर हमारा सबका इत्माद है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसको अपने जहन में रखिए। अगर हम मख्ता समाज रहेगा कि अदल की उम्मीद लेकर अब कहाँ जाए कोई, क्या कहने का? अदल की उम्मीद लेकर अब कहाँ जाए कोई, मुजरिमों मुनसिफ में तैयब भाईचारा हो गया। वाह वाह, मुजरिमों मुनसिफ में तैयब भाईचारा हो गया। एक मतलब दोषी सम्मत रहेगा, बताओ ऐसी क्या बात हो गई मुझसे। गजल का ऐसी क्या बात हो गई मुझसे, शिकिल भी तशरीफ लाइए। ऐसी क्या बात हो गई मुझसे, ऐसी क्या बात हो गई मुझसे, ऐसी क्या बात हो गई मुझसे, क्यों नजर तुमने फेर ली मुझसे, जहर दिल में खुलूस होंठों पर। शेर समझ में बताओ। जहर दिल में खुलूस होंठों पर, जहर दिल में खुलूस होंठों पर, जहर दिल में खुलूस होता पर, न रखो ऐसी दोस्ती मुझसे, वाह वाह, न रखो ऐसी दोस्ती मुझसे, जुल्मतों से मुझे डराते, जुल्मतों से मुझे डराते हैं, 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 कल जो लेते थे रोशनी मुझसे, वाह वाह वाह, कल जो लेते थे रोशनी मुझसे। गजल के एक चार पांच शेर। हवा के रुख का कोई एतबार मत करना, बहार पर भी यकीन बहार मत करना, दिलों के जख्म बड़े मुश्किलों से भरते हैं, जबान को कभी खंजर की धार मत करना, मुसाफिरों को जो ठंडी हवा भी दे न सके, मुसाफिरों को जो ठंडी हवा भी दे न सके, तुम उस शजर का शजर में शुमार मत करना। और गजल का आखिर शेर, हदीस पाक का मफहम अपने जहन में रखिएगा। किसी यतीम के दिल को ना चोट लग जाए, किसी यतीम के दिल को ना चोट लग जाए, किसी यतीम के दिल को ना चोट लग जाए।